हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिएक्ट टू ऑल में। मेरा नाम है निखिल। तो गाइस, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, आज मैं एक हिंदी मूवी के टीजर को रिएक्ट करने वाला हूँ जिसका नाम है धोखा राउंड डी कॉर्नर। और प्रीवियसली इसका एक वीडियो को मैंने रिएक्ट किया था गाइस, उसमें बहुत ही कम कंटेंट दिखाया गया था, बस डायलॉग्स थे लोगों के, है ना। आर माधवन सर का और खुशाली कुमार का भी डायलॉग था और दर्शन सर का भी डायलॉग था, अपार शक्ति खुराना का भी डायलॉग था। सबके थोड़े थोड़े डायलॉग दिखाए गए थे और कुछ पता नहीं चल रहा था उस छोटे से डायलॉग बाजी के अंदर। तो अब ये टीज़र 1 मिनट 20 सेकंड का है, तो हो सकता है इसके अंदर थोड़ा बहुत मूवी के बारे में कॉन्टेक्स्ट देंगे। तो बिना किसी देरी के पहले टीज़र देख लेंगे गाइज और फिर करेंगे चर्चा कि इसके अंदर है क्या। चलो, ये मस्काव की वो बिल्डिंग है जहां पे टेररिस्ट मकबूल अभी छुपा हुआ है। स्प्रिंग शाइन बिल्डिंग में काफी ओके टेररिस्ट बोल रहे हैं उसको, किडनैप किया उसने। सुनोगे? एक बार सच और झूठ। ओके, ये हस्बैंड वाइफ है, झूठ बोला ये तो पता चल गया था टीजर से प्रीवियसली। दोनों नहाने कुएं में उतरे, जैसे ही सच ने डुबकी लगाई झूठ सच के सारे कपड़े लेकर भाग गया। सर, उस आदमी के साथ जो औरत है जिसे आप एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ समझ रहे हो, वो डिल्यूजनल डिसऑर्डर की पेशेंट है। हाँ, वो पिछले डायलॉग में भी बोला था उसने। कपड़े पहनकर घूमता है, पूरी दुनिया मेरे पति की ही बात को सच मानती है। स्कोर जबरदस्त है। मैं सच की तरह इस कुएं में खड़ी हूँ। September 23rd को, कि 23rd September को रिलीज होगी। तो काफी कुछ था यार टीजर के अंदर, जैसे प्रीवियसली उन्होंने जो आई थिंक छोटा सा अनाउंसमेंट टाइप वो वीडियो उन्होंने डाला था और उसके अंदर सिर्फ डायलॉग्स थे, और इसके अंदर तो प्रॉपरली दिखाया गया कि भाई जो खुशाली कुमार का कैरेक्टर है और जो आर माधवन का कैरेक्टर है वो दोनों ऑब्वियसली हस्बैंड वाइफ है। और अब आर माधवन कहता है कि उसकी बीवी को डिल्यूजनल कोई बीमारी है, ऑब्वियसली वो कुछ अलग ही नरेटिव सोचती है अपने माइंड में और उसको सच समझ बैठती है, ऐसे ही कुछ बीमारी है उसको। और अब वहाँ पे जो अपार शक्ति का जो कैरेक्टर है, ऑब्वियसली स्टार्टिंग में जैसे बोलते कि वो टेररिस्ट है, अब है या नहीं वो तो पता नहीं चल रहा, क्योंकि अगर अब आर माधवन सही है और उसकी बीवी को बीमारी है तो ऑब्वियसली उसने किडनैप तो नहीं किया उसकी बीवी को, उसकी बीवी ने कुछ किया हो उसको किडनैप कर, ऐसा कुछ सिनारियो हो कि उसने खुद उसको बुलाया हो और अब वो कोई दिमाग में कोई एक नई स्टोरी नरेट सोच रही है और उसको सच समझ बैठी है। और जो दर्शन सर का कैरेक्टर है वो तो पता चल गया ऑब्वियसली वो पुलिस वाला है, है ना, वो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। अब वो क्या करेगा क्योंकि उसके हाथ में काफ़ी कुछ है, अब वो सभी के जो स्टोरी को सुनेगा और किसको सच मानेगा और किस सच के ऊपर एक्शन लेगा, है ना, वो देखने लायक होगा। क्योंकि इसके अंदर इतना तो दिखाया कि पूरी बिल्डिंग को घेर लिया और जिस हिसाब से वो लोग सीढ़ियों से ऊपर जा रहे थे वो सिनारियो, और पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है अपार शक्ति खुराना का जो कैरेक्टर वो ग्रे शेड कैरेक्टर लग रहा है ना, वो ऐसा लग रहा है कि एक जगह लग रहा है इनोसेंट है, एक जगह लग रहा है नहीं भाई वो सही में बंदा है गुंडागर्दी वाला, मतलब अगर टेररिस्ट बताया गया तो सही में है, क्योंकि वो काफ़ी सारे ऐसे गैंग मेंबर्स लोगों के साथ दिखाया भी गया है। और क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो उसके पास गन क्या कर रही है, और अगर वो गन उसकी नहीं है जो उसने ऑब्वियसली खुशाली कुमार को किडनैप करते हुए उसने हाथ में गन रखी है, अगर वो उसकी नहीं है तो किसकी है। तो काफ़ी सारे चीज़ें मतलब स्टोरी में हो सकती है, कहीं भी जा सकती है स्टोरी, क्योंकि अगर आर माधवन का पॉइंट सही है तो हो सकता है खुशाली कुमार विलन हो, लेकिन अगर अपार शक्ति टेररिस्ट है तो फिर एक अलग नरेटिव में चली जाएगी स्टोरी। तो कौन कौन सी जगह हमें सच देखने मिलेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऐसी खेलने वाले स्टोरी के साथ और एंड में कहीं कुछ और ही निकल आएगा, है ना, ये देखने लायक होगा। क्योंकि अभी इन चारों कैरेक्टर में से किसी को भी हम ये नहीं बोल सकते कि ये प्रोटैगनिस्ट है और ये एंटैगनिस्ट है, और कोई कब क्या निकला है वो देखने लायक होगा। और मेरे ख्याल से ऐसी स्टोरी का मज़ा भी यही होता है कि भाई एंड तक पता ना चले कि प्रोटैगनिस्ट कौन है एंटैगनिस्ट कौन है और स्टोरी कहाँ जा रही है ना। तो सही में गाइज मैंने बहुत इन्जॉय किया, और ये टीज़र है, होपफुली जब ट्रेलर आएगा तो थोड़ा और खुल के हमें देखने मिलेगा स्टोरी। तो तब तक के लिए गाइज आप वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और मैं आपको मिलूंगा एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।